यहाँ पे साफ साफ लिख दे के क्लोज रहेगा बोल के। बहुत ज्यादा भीड़ रहते इसका कारण बंद कर दिया है। सामने में कितना बड़ा क्रिसमस ट्री बना गया है, सामने से हो रहा है गाइस, भीड़ यहाँ पे बढ़ रहा है। 100 में 80% लाइट ऑन कर दिया गया, अगर हमें जान देता तो अच्छा ही होता। गाइस आप यहाँ का जो क्राउड देखते हैं क्रिसमस भी इतना सजाया था कोलकाता को, ये फर्स्ट टाइम जाने। गाइस मतलब यहाँ तो और भी खतरनाक सीन लग रहा है कि जो लाइटिंग वगैरह है वो आ गई है। सुबह सुबह आया था तो समझ भी नहीं आ रहा था, फाइनली गाइस मतलब यहाँ तक आ गया। तो कोलकाता में गाइस क्रिसमस वो भी काफी खतरनाक होता है, भीड़ में कम से कम आधा एक घंटा तो फंसे हुए हम गाइस। तो जो एलन पार्क था वो बंद था इसलिए थोड़ा मूड ऑफ हो गया, और जानते हैं अगर तो नहीं आते। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं हूं सैम, आप देख रहे हैं सैम व्लॉग डी फिनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मैं भी अच्छा हूं। आज का वीडियो क्या होने वाला है गाइस, आप लोग तो वीडियो का इंट्रो पार्ट और थंबनेल देख ही लिए होंगे कि आज के वीडियो मैंने आज के ब्लॉग क्या होने वाला है। तो बस फिर मैं आप लोग बता देता हूं कि आज का ब्लॉग क्या होने वाला है। तो आज मैं जाने वाला हूं गाइस पार्क स्ट्रीट, और पार्क जाने वाला इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज क्या है, आज 25 दिसंबर यानी क्रिसमस। और क्रिसमस में गाइस जो पार्क स्ट्रीट है वो मतलब काफ़ी मतलब बेहतरीन तरीके से सजाया जाता है मतलब लाइटिंग से, बट मैं कभी गया नहीं आज तक। गाइस आज फाइनली देखने जा रहा हूँ जो पार्क स्ट्रीट में गाइस मतलब जो दिसंबर में 25 दिसंबर को कैसे सजाया जाता है नहीं जाता है, तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को बने रहना, वीडियो को लास्ट जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन सॉल्व करना, और अगर ये वीडियो का फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक फॉलो करके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। फिलहाल तो गाइस मैं मतलब रेडी हो चुका हूँ, अब यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे और जो मेन लोकेशन है गाइस पार्क स्ट्रीट तो वहीं पे जाएंगे और उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस मैं पार्क स्ट्रीट आ चुका हूँ और यहीं से स्टार्ट होगा जो यहाँ का जो लाइटिंग है क्या बोलते हैं कोलकाता का पार्क स्ट्रीट का लाइटिंग क्रिसमस का, तो यहीं से स्टार्ट होता है। तो देखिए ये जो जगह देख रहे हैं ये जगह मतलब रात का टाइम पूरा लाइटिंग से भरने वाला है। आगे में एक पार्क है जो पार्क का नाम है एलन पार्क, तो वो मेरे सामने ही में कोलकाता क्रिसमस फेस्टिवल लिखा हुआ वहाँ पे, तो वो पार्क मतलब सामने पे सामने जो कोलकाता जो फेस्टिवल होता है क्रिसमस का वही मनाया जाता है। तो पार्क मेरे सामने ही में और पार्क के बाहर में गाइस काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो देखिए वो है एलन पार्क, वहाँ पर देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए आप दिखाते हैं हम लोगों को, देखिए ऊपर में लिखा हुआ कोलकाता क्रिसमस फेस्टिवल। तो यही वो पार्क जिसके अंदर में काफ़ी मतलब बेहतरीन लाइटिंग किया गया है। तो मैं गाइस इस पर आ गया हूँ और ये देखिए यहाँ का कुछ सीन है, इसकी छक्का है। तो ये गाइस सामने में कितना बड़ा क्रिसमस ट्री बना गया है, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए मदर टेरेसा का स्टैचू भी बनाया हुआ है। तो देखिए गाइस ये है एलन पार्क का गेट, और यहाँ के मुझे शॉप लगा कि गेट क्लोज लिखा हुआ, गेट क्लोज है, यहाँ पे लिखा हुआ है एलन पार्क क्लोज नो प्रोग्राम 24, 25 एंड 31, मतलब क्लोज रहेगा। बट क्यों समझ नहीं आ रहा है, रात होने के बाद पता चलेगा कि ये खुल रहा है या फिर नहीं खुल रहा है। क्यों बंद किया हुआ पार्क, पार्क इसलिए बंद, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है इसका कारण बंद कर दिया है। भीड़ का बंद किया है ना। हाँ गाइस मैंने आप लोग कहा था स्टार्टिंग में कि ये जो पार्क एलन पार्क है वो गाइस मतलब क्लोज है, और इसलिए क्लोज है गाइस बता रहा है कि यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है इस दिन 24, 25 और 31 को, तो भीड़ होने के कारण ये क्लोज रखा है। बट ये 26 को 27, 28, 19 तक खुला रहेगा, तो आप लगा सकते हैं। गाइस मेरा जो सपना था दिखने के अंदर जाके, तो वो मतलब नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिख दे के क्लोज रहेगा बोल के, अंदर जा नहीं पाएंगे। बरह लाइटिंग जो है वो लाइटिंग चलेगा, तो लाइटिंग बाहर से अंदर आप दिखा सकते हैं, तो अंदर जाने का कोई सीन नहीं है। तो देखिए गाइस दो तीन कुछ लाइट ऑन कर दिया है शाम हो रहा बोल के, और शाम हो तो शाम जैसे से हो रहा है गाइस, भीड़ यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए आप लोग वीडियो में कि भीड़ हो रहा है हल्का हल्का, और सबको गाइस मतलब जो जो भीड़ हो रहा है लोग को पता नहीं कि जो यहाँ का जो एलन पार्क है वो 24, 25, 31 को बंद रहता है बोल के, और बंद से रहता है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है बोल के बंद रहता है। तो नहीं जानते थे, अगर नेक्स्ट ईयर से आएंगे तो शायद ये दिन नहीं आएंगे, और आप लोग भी अगर आते हैं तो इस दिन मत आना गाइस, क्योंकि इस दिन बंद रहता है, और ऐसा नया नहीं है, ये हमेशा होता है, तो बंद ही रहता है। और लाइटिंग जो है वो कुछ भी लाइट जला दिया गया है, देखिए दूर में आपको दिखता होगा कुछ लाइट, अब लाइट जलने ही वाला, शाम हो रहा है तो लाइट जलने ही वाला है, लाइट जलेगा और आपको यहाँ का लाइटिंग दिखाएंगे। मतलब इतना वेट करने के बाद फाइनली जो एलन पार्क का जो लाइट था गेट का लाइट वो मतलब जल गया है, मतलब ऑन कर दिया गया है, जो कि मतलब बेहद खूबसूरत दिख रहा है। बट वो बाहर से ही है, और जो अंदर में भी काफ़ी मतलब मस्त लग रहा है, बट अंदर का एंट्री मतलब नो डाउट है, मतलब आज के लिए क्लोज है, जैसे मैंने बीच में बताया था वीडियो में, तो आज क्लोज है। और रहा बात जो लाइटिंग काफ़ी खूबसूरत लाइट लग रहा है,
तो इसी के लिए गाइस मैं यहाँ पे आया था और ये चीज़ मतलब लाइट ऑन किया है। तो जो रूट का लाइट है वो अभी बंद है और शाम होने के बाद पूरा जो लाइट जितना भी लाइट होगा वो ऑन किया जाएगा। तो अंदर मैं गेट के सामने थोड़ा सा क्लोज करके जाऊँगा, मैं थोड़ा सामने जाऊँगा और जो अंदर का जो गेट का बाहर से वो आपको सीन दिखाऊँगा कि मैं क्यों गाइस मतलब अंदर के अंदर अंदर जाने मांग रहा था। तो अंदर में कुछ मतलब इस टाइप का सीन है, तो चलिए मैं दिखाते हैं। और देखिए ये जो गेट है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और लाइट प्लस मैंने थोड़ा बहुत मैंने 80% लाइट ऑन कर दिया गया है, तो सारा लाइट ऑन नहीं हुआ अभी तक। तो चलिए अंदर की तरफ जाएंगे और अंदर में जो व्यूज़ है वो गेट का बाहर से आपको दिखाएंगे। तो देखिए गाइस यहाँ का जो व्यूज़ है कुछ इस टाइप का दिख रहा है, जो गेट का बाहर का तो कितना अच्छा लग रहा है। अंदर भी लाइट जल चुका है तो गेट के वहाँ पर जाएंगे और बाहर से ही आप लोग कुछ छोटा सा सिंथेटिक सीन दिखाएंगे, वहाँ ले लेंगे कि बाहर का जो अंदर का जो सीन है वो किस टाइप का है। अगर अंदर जान देता तो अच्छा ही होता। और वहाँ पे कुछ जो होता है चर्नी उन्नी वगैरह होता है ना, वो सब का जो सीन मतलब अंदर में है। तो ऐसे में तो फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ गाइस यहाँ पे, बट अंकल ने बताया कि ये जो है वो 24, 25, 31 को बंद ही रहता है। तो कोई बात नहीं, जो लाइटिंग वो बाहर से शूट करेंगे और अंदर का जो है सीन जब वो मैं आपको गेट का बाहर से दिखा दूँगा। तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताना कि जो अंदर का जो लाइट था मतलब थोड़ा मोटा लाइट आप लोग दिखाने की कोशिश किए, तो जो अंदर का लाइट है वो आप लोग कैसे लगा। तो बाहर से ही दिखाया और अभी भी बाहर में सारा लाइट जो ऑन नहीं किया गया, कुछ आधे मैंने आधा लाइट ऑन किया गया। और जो ट्री सब है वो काफ़ी बेहद खूबसूरत दिख रहा है, हल्का लाइट ऑन करने के बावजूद भी। और अंदर में अभी भी लाइट सब ऑन नहीं हुआ है, तो बाहर से दिखाऊंगा आप लोगों को, कोशिश करूंगा। तो आप लोग को आई होप कि अंदर का जो सीन था वो आप लोग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर करना गाइस। यहाँ पे कुछ देर और रहेंगे, जो रोड का लाइट है वो जल जाएगा तो आपको लगा लाइटिंग पूरा कंप्लीट दिखा देंगे। और रहा बात गाइस आप यहाँ का जो क्राउड देखते हैं तो इतना भीड़ नहीं था, बट जैसे रात हो रहा है तो उसे भीड़ मतलब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। वो भाई साहब जो मेरे पीछे तो सीन था, जो मैं तो स्टैचू था गाइस, वो मतलब उसका भी लाइट ऑन कर दिया गया जो कि वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो मेरे आगे मैं आप लोग दिखाता हूँ, देखिए तो ये रहा। तो अभी हम लोग अंदर में ही हैं, जॉयलैंड पार्क वहाँ से अंदर में ही है। तो बाहर की ओर जाएंगे और आपको जो बाहर का जो रोड का जो लाइटिंग है वो आप दिखाएंगे कि ऑन हो चुका है, वो काफ़ी मतलब खूबसूरत लग रहा है। और अभी भी किसी मतलब शाम यानी कि रात नहीं हुआ है, बट लाइट ऑन कर दिया और अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताएं, ये भी लग रहा है क्रिसमस में भी इतना सजाया था कोलकाता को, ये फर्स्ट टाइम जाने हैं बोल के, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आए हैं। और एक तो अलग तक मैंने एक तो अलग ही लेवल का मन मजा आ रहा है, ठीक है। कितना मस्त लग रहा है, देखिए ऊपर में देखिए बेल है, जो बेल तो बेल स्टार से सजाया गया है। और अंदर में कुछ शब्द का जो एलन पार्क, ये एलन पार्क साइड का भाग है और जो एंट्री गेट है वहाँ पे एलन पार्क तो बंद है और ये साइड का भाग देखिए। अंदर में पूरा जो ट्री से लाइट लगाया गया, अच्छा लग रहा है, जान देता तो अच्छा ही होता। तो देखिए और जो मेन जगह से स्टार्ट किया तो वहाँ पर चलेंगे। रोड का जो लाइट था वो मैं जला दिया गया है क्योंकि मैं काफ़ी हेवी लग रहा है। देखिए मेरे पीछे सब लाइट है और आगे भी लाइट है, जो लाइट है मतलब काफ़ी दूर तक है और जब जहाँ से स्टार्ट किया आने के लिए तो वहाँ भी मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। क्या बोले आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इतना अच्छा व्यूज़ देखने को मिला, ठीक है। नसीब मतलब आए थे, इतना अच्छा व्यूज़ देख पा रहे हैं हम लोग कोलकाता में भी, ऐसे व्यूज़ के मतलब ऐसे व्यूज़ दिखता है बोल के। तो काफ़ी अच्छा सजाया गया गाइस और इतना मतलब इतना बड़ा इलाका लेकर सजाया गया है, मैं इतना बड़ा इलाका लेकर सजाया गया कि मेरा कैमरा मेरा कम पड़ रहा है तो इसको शूट करने में। तो मैं यहाँ मैं इतना ज़्यादा लाइट लिया हुआ है कि किसको कौन शूट कर रहा है समझ नहीं आ रहा, तो सब जगह लाइट ही लाइट है। तो जितना हो सके शूट किया आप लोगों के लिए और सिमेटिक सीन दिखाया आप लोगों को, तो मैं पूरा देखिए मेरे पीछे पर लाइट ही लाइट, आगे भी लाइट ही लाइट, मतलब लाइट से इतना सजा गया जैसे दुर्गा पूजा कोलकाता की फेमस है। तो आप जानिए क्रिसमस भी शायद क्रिसमस भी कोलकाता में काफ़ी अच्छा होता है जो कि पार्क स्ट्रीट में।
तो फाइनली गाइस मतलब यहाँ तक आ गया, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ तक आया। जब देख रहे भीड़ देख रहे, वो भीड़ में फंस गया था और वहीं से स्टार्ट किए थे, जहाँ पे आप लोग देखे जो पार्क था वहीं से स्टार्ट किए थे, पर जो भीड़ गली जो वहाँ फंस गई, इसलिए अभी तक लेट में यहाँ पे आए हैं। तो ये स्टार्टिंग जहाँ से भीड़ स्टार्ट किया था वहाँ पे आ गए, और आप यहाँ के लाइट देख सकते हैं। गाइस हम लोग यहाँ के भीड़ देख सकते हैं, ये काफ़ी खतरनाक भीड़ है, यहाँ पे लग रहा है कि दुर्गा पूजा जैसे भीड़ होता है वैसे भीड़ है। ये ब्रैकेट गिरा के मेरे भीड़ में कम से कम आधा एक घंटा तक फंसे हुए हम, तो सोच रहे आप ज़्यादा भीड़ में फंसे ना और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। मैं अभी बस स्टैंड तक चला आया हूँ बस पकड़ने के लिए, और मतलब कितना क्या बताया गया, भीड़ ज़्यादा ठीक ठीक था, बट रात होता था इतना मैंने इतना भीड़ होता था कि क्या कर रहा, मैं मतलब भीड़ में पूरा फंस गया था, पूरा दम घुट रहा ऐसा लग रहा था भीड़ में, इतना भीड़ हो गया था, लगता है मैं दुर्गा पूजा घूमने आते हैं ऐसे ही। तो कोलकाता में क्रिसमस वो भी काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक है, तो मज़ा आया। और अगर वो एलन पार्क में ढूंढने देता तो और मज़ा आता, मैंने और भी वीडियो अच्छा अच्छा आता आप लोगों के लिए, आप लोग देख पाते, तो ये तो हुआ नहीं। और रहा बात यहाँ का टाइमिंग, आप लोग देखें मैं आपको ये दिया होता, बोर्ड दिया होता, अगर आप 24, 25, 31 पाते हैं तो ये गेट मतलब ये जो पार्क है मतलब बंद रहता है, तो अगर आपको आना पड़ेगा तो 26, 27, 28, 29 को आ सकते हैं आप लोग, और एक तारीख के बाद मतलब एक तारीख के बाद भी आ सकते हैं, तो उस टाइम पार्क जो है खुला रहेगा। तो आप लोग कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, फिर से कमेंट करना गाइस, और शेयर कर जरूर करना, जो लोग मतलब आना चाहते हैं क्रिसमस के लिए तो लोग किस किस दिन आ पाए, और जो पार्क खुला रहेगा तो अंदर जाकर देख पाए लाइटिंग वहाँ का, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, और आप लोग मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में, और हाँ चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन फॉलो करना, और अगर वीडियो फेसबुक पर फेसबुक फॉलो करें फॉलो कर लेना। आज के इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करूंगा, और आप लोग से मिलूंगा ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अगर अपना ख्याल रखना।